को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगा कर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को साफ क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है और क्यों चुप है भाजपा? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? क्यों चुप है मुख्यमंत्री? क्यों चुप है अमित शाह जी? ये वही मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई और ये और इनके साथी मिलकर किसानों को गुंडा, मवाली, नक्सली और राम जाने क्या क्या बुलाते रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी चुप्पी संरक्षण है भ्रष्टाचार के लिए। और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते न खंडन करते, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले दो बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निर्मा की तर्ज पर लगाया गया है और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निर्मा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो निर्मा वॉशिंग पाउडर पर एक एड बनाया है 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई। अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगा कर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है तो आज सवाल ये है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, ये वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि ये काले धन पर चर्चा हो रही है, ये अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पर चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को साफ क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? कब ईडी के टिकट कटाए जाएंगे कि वो भोपाल या ग्वालियर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछताछ करें? क्योंकि एक बात और भी साफ है और ये भी बिल्कुल साफ बात है कि एक लड़का अकेले अपने दम पर सैकड़ों करोड़ों का ये पूरा गोरख धंधा नहीं कर सकता है। और मुझे कोई भी गुर्रेज नहीं है ये कहने में, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है कहने में कि इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इसमें? क्या ये सारी कवायद बिना शिवराज सिंह चौहान जी के शामिल हुए हो सकती थी? क्या इसमें केंद्रीय मंत्रियों की साठगांठ नहीं है? और क्यों चुप है भाजपा? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? क्यों चुप है मुख्यमंत्री?
क्यों चुप है अमित शाह जी? क्या वित्त मंत्रालय को ये पता भी नहीं है कि ऐसी बातें हुई है? और अब जब वीडियो आ गया तो उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? और याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संभवता नंबर 5 की वरीयता पर है मोदी सरकार में। ये वही मंत्री है जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, और ये और इनके साथी मिलकर किसानों को गुंडा, मवाली, नक्सली और राम जाने क्या क्या बुलाते रहे। ये वही व्यक्ति है। तो आज पूछा जाना है कि ये घूस कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या प्रलोभन था, इसके चलते कौन सी नीति का निर्माण हुआ, इसके चलते किसका भला हुआ, किसको बैकडोर से एंट्री मिली, आज ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। किसी अप्रैल की बात हो रही है, वो 2023 अप्रैल है, वो 2022 अप्रैल है, वो उसके पहले का अप्रैल है मुझे नहीं पता, लेकिन हम नवंबर 2023 में चुनाव के पहले बात कर रहे हैं और भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जी, हमारी कुछ मांगे हैं और वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम इसको पटल पर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे। इस प्रकरण में न्याय तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी होगी इस मैटर में। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार में एक पावरफुल, शक्तिशाली, सशक्त मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए जब तक इस मामले की छानबीन ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको साफ सुन गया है, सीबीआई जिसको साफ सुन गया है, इनकम टैक्स जो मौन है वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे और इस पर कार्रवाई शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी, यहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी चुप्पी संरक्षण है भ्रष्टाचार के लिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति दिल्ली में ही नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मध्य प्रदेश में है, और जब तक उनका लड़का बाहर रहेगा वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर नहीं कर सकता है। संज्ञान लेकर उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच हो।